नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और चुनावी शोर जो है वो हर ओर फिजाओं में सुनाई दे रहा है। इसी के साथ ही 5 चरण पूरे हो चुके हैं। छठे चरण को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। क्या चुनावी जनसभाएं, क्या रैलियां, क्या रोड शो, हर और सिर्फ जय जयकार गूंजती हुई नजर आ रही है। अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने प्रत्याशियों की जय जयकार जो है तमाम राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वक्त 2 बज चुके हैं और 2 बजे हम हर दिन उत्तर प्रदेश का मेरा गाँव मेरा देश स्पेशल एडिशन चलाते हैं और आज हम बलरामपुर सदर सीट का जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि बलरामपुर में अगले चरण में चुनाव होना है। ऐसे में यहाँ कितना ज़्यादा विकास हुआ है, आम जनता किन किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करने वाली है, इसे जानने के लिए पहले तो तस्वीरें दिखाते हैं, फिर मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे और वहाँ की आम जनता भी हमारे साथ जुड़ेगी। तो ये तस्वीरें बलरामपुर सदर की आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बलरामपुर सदर की। मेरे सहयोगी योगेंद्र विश्वनाथ मेरे साथ जुड़ गए हैं और वहां की आम जनता भी मेरे साथ जुड़ी है। तो सबसे पहले योगेंद्र का मैं रुख करूंगी। योगेंद्र, बलरामपुर सदर जो सीट है इसको पहले समझाइए, क्या इसका इतिहास है और इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, आजादी के बाद से ही बलरामपुर सदर विधानसभा सीट का अस्तित्व रहा है और ये सीट जो है अपने मायने में बहुत खास रही है एक मायने में, क्योंकि यहाँ पर लगातार जनसंघ का काम हुआ और कांग्रेस शुरुआती दौर में तो कांग्रेस ने यहाँ पे अपनी सत्ता काबिज की और फिर जो है सपा बसपा ने यहाँ पे सीटों को जीतने का काम किया और फिर इसके बाद जब अभी बदलाव हुआ 2012 के चुनाव से तो जगराम पासवान जो यहाँ के समाजवादी पार्टी से विधायक बने, जब इस सीट को सुरक्षित किया गया, उसके बाद से दोबारा जो पलटूराम जी जब 2017 का चुनाव हुआ तो पलटूराम जो कि खटीक समाज से आते हैं उन्हें जो है यहाँ का विधायक बनने का मौका दिया जनता ने और उन्होंने तमाम तरह के काम करवाए हैं, उनकी तमाम तरह की कोशिश रही है जिसका जो है फायदा अब जनता को मिलता नजर आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन इस सीट पर किसी भी दल को कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि 2007 के विधानसभा चुनाव में इसने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू को भी अच्छे वोटों से जिताकर सदन भेजा था और उनके शासनकाल में भी ठीक ठाक काम हुआ था और समाजवादी पार्टी के सरकार में भी ठीक ठाक काम हुआ, संयुक्त जिला चिकित्सालय का निर्माण करवाया गया और तमाम तरह की जो विकास की परियोजनाएं हैं वो चालू की गई। अभी मौजूदा अगर हालात की बात करें, जो चुनाव के हालात है वो कुछ इस कदर है, यहाँ पर जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जगराम पासवान और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और निवर्तमान राज्य मंत्री पलटूराम के बीच में होती नजर आ रही है। जी। चलिए ठीक है, योगेंद्र ये बताइए कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है, फिर आम जनता भी हमारे साथ जुड़ी है उनका भी हम रुख करेंगे। देखिए, जातियों की बात की जाए तो यहाँ पे ब्राह्मण ठाकुर और जो है मुस्लिम समाज के वोट ज्यादा है, इसके बाद जो ओबीसी समाज है उसका वोट भी ठीक ठाक है उस प्रतिशत में भी, ब्राह्मण वोट यहाँ पे कब तकरीब ब्राह्मण और जो मुस्लिम वोट है वो यहाँ पे निर्णायक माना जाता है, क्योंकि जो है तमाम तरह के जातीय गणितों को बिठाने के लिए ही तमाम पार्टियां अब कसरत करती नजर आ रही हैं। आज का मैं हाल बताऊं तो मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली पूर्वी के सांसद हैं वो जो है यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने जनसभा की, ब्राह्मणों को लुभाने का काम चल रहा है। इसके साथ ही जो दलित समाज है उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और समाजवादी पार्टी भी काम कर रही है, क्योंकि दोनों जो नेता आते हैं वो दलित समाज से ही आते हैं क्योंकि ये सीट सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं जो है सभी पार्टियों ने दलित समाज के ही नेताओं को लड़ाया है और वो कसरत पूरी जारी है कि जिससे सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों को जो है यहाँ से ज्यादा मत दिलाकर जो है दिलाने में कामयाब हो सके। बिल्कुल योगेंद्र, यानी कहा जा सकता है कि इस बार बलरामपुर में बलरामपुर सदर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र, तमाम और मैं आपको बताऊं। जी जी जी
मैं आपको बताऊं, बलरामपुर सदर विधानसभा सीट पर इसलिए भी कांटे की टक्कर है क्योंकि पलटूराम जी जो कि राज्य मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका उनके साथ जो कुछ लोग रहे उन्होंने तमाम लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया और तमाम लोगों को इस तरह की दिक्कत हुई। जैसे अगर मैं ब्राह्मण समाज की बात करूं यहाँ पर, तो हम लोग जब गाँवों में जाते हैं तो ब्राह्मण समाज ये कहता नजर आता है कि पलटूराम के लोगों ने जो है हम लोगों के ऊपर, ठीक है योगेंद्र, ये तो वहाँ की आम जनता से हम जाने तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। आपको मेरी आवाज मिल रही है जी? महोदय सुनील कुमार जी, मन तो पे बताना चाहूंगा कि मैं बलरामपुर जनपद हूँ और यहाँ के वोटर बहुत ही साफ तौर पे विकास पर ही जनता क्योंकि बलरामपुर जनपद भले ही अटल का स्वास्थ्य सुविधा योगेंद्र जी अपने उनको मैंने कई जगहों दिखाई है बारीकी और मैं प्रसारित किया था और दयनीय स्थिति से जब तक भाजपा सरकार नहीं आई है यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे ज्यादा देखिए आपका आपका नाम मुझे नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से अपना नाम मुझे बता दीजिएगा प्लीज। जी मैं सुनील गुप्ता हूँ, बलराम। ठीक है सुरेंद्र जी, ये बताइए अभी मेरे सहयोगी योगेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो पलटू राम जी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, उन पर बहुत लोग आम जनता आरोप लगाती है कि वो अपने गुर्गे भेजकर आम जनता पर अत्याचार करते हैं, क्या ये सही है? देखिए मैं वो इस तरह की शिकायतें हो सकती है, जो दलाल टाइप के लोग हैं वो हर एक सरकार में कहीं ना कहीं सरकार को या थाने को मिली भगत करके इधर उधर से करके कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक व्यक्तिगत पलटूराम जी की बात करूँ, मैं उनका बहुत रहा हूँ, उनके कार्यकर्ता भी रहा हूँ और साथ ही साथ मैं उनके विधानसभा से हूँ और कई चीजों को सुरेंद्र जी आपको क्या लग रहा है, इन पांच सालों में विधायक जी ने खूब अच्छे से अपने क्षेत्र का विकास करवाया है, अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान दिया है? जी जी मैम बिल्कुल, 35-40 लोगों को सड़कें जो हमलोगों को नहीं मिला था वो उधर माननीय पलटूराम जी ने हम लोगों को दे दिया और आगे जो बचा हुआ है वो भी हमको प्राप्त होगा, ये हमको पूरी उम्मीद बात करें। बिल्कुल, और अगर हम 2017 के आंकड़े देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और दूसरे नंबर पर कांग्रेस सपा गठबंधन के उम्मीदवार शिवलाल को हराया था। इस बार मैदान में कांटे की टक्कर ये देखी जा रही है, जितने भी चरण गए हैं, पांच चरण जा चुके हैं, भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन इस बार की तस्वीर अगर बलरामपुर सदर की हम बात करें तो कैसी हो सकती है, आम जनता क्या देख रही है, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं आम जनता के? आम जनता के लिए पहले सुरक्षा और उसके होना चाहिए और मैं मान के चलता हूँ भाजपा ने सुरक्षा के साथ साथ विकास भी प्रदान किया है और जिस तरह से दो विकास कोरोना में चले गए थे फिर भी विकास का कोई भी कार्य नहीं रोका गया है, कार्य चलता रहा है और साथ ही साथ जो कोरोना पीड़ित थे उनकी भी मदद की गई थी, इसलिए मैं जनता के लिए यही रखूँगा विकास का मुद्दा और शिक्षा का मुद्दा। चलो ठीक है सुरेंद्र जी, आपके पास वापस लौटूंगी। योगेंद्र मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। योगेंद्र, अगर इस सीट के इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो राम मंदिर आंदोलन से कांग्रेस और जनता पार्टी का बोलबाला यहां पर रहा है इस सीट पर। 1992 से अब तक कुल 7 बार कांग्रेस और 1 बार जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाकर वोटरों ने सदन भेजने का काम किया, तो इसके बाद यहाँ से 4 बार भाजपा
और जनसंघ के उम्मीदवारों ने फतह हासिल की है। 4 बार सपा तो 1 बार बसपा का उम्मीदवार बलरामपुर सदर विधानसभा से जीतने में कामयाब रहा है। यानी बलरामपुर की जो जनता है वो ज्यादा किसी पे विश्वास नहीं करती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता जैसे जैसे जागरूक हो रही है वो विकास के कार्यों पर वोट दे रही है। अब उसके लिए मुझे लगता है कि जातिगत आंकड़े और जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। और चूंकि अब पार्टियां भी लगातार ये कहती नजर आती हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन सभी लोग इक्वेशन तो बैठाने में थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अब विकास जो करेगा वो जो है उसे मौका मिलेगा। अगर बसपा के उम्मीदवार की यहाँ पे बात की जाए तो वो बहुत ही सीधे व्यक्ति बताए जाते हैं, हरिराम बौद्ध जी, और वो बसपा संगठन में तमाम अहम पदों पर रह चुके हैं, उन्होंने काम किया है। इसके साथ ही अगर हम जगराम पासवान की बात करें तो वो 2012 में विधायक रहे हैं और पासवान समाज से आते हैं, पासी समाज से आते हैं। तो उनका जो है उतरौला तहसील में जो एरिया आता है या जो है जो चीजें उधर श्रीदत्तगंज ब्लॉक में है उस तरफ उनकी मजबूती दिखाई देती है खासकर, और 71 के इलाके में भी वो मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। अभी बलरामपुर में हाल ही में जो है एक बड़े नेता है विनय कुमार पांडे बिन्नू जी, उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी छोड़कर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थाम लिया, और चूंकि उन्होंने पहले भी सपा से ही अपनी राजनीति की थी तो उसका भी एक इम्पैक्ट मुझे लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेगा। और जहां तक बात रही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पलटू राम की, तो वो जो है एक सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति तो है, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं वो थोड़ा सा कुछ गंभीर है, और ये इस बात की तरफ इंगित भी करते हैं कि उनके शासनकाल में जो उनके दलाल, जिसे अभी सुनील जी ने कहा कि दलाल टाइप के लोग जो पनपे, उसके कारण उन्हें हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो। बिल्कुल, लेकिन अभी क्या स्पष्ट आंकड़ा होगा? आम जनता इस बार जागरूक है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बलरामपुर की जो सदर की जनता है वो पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। तो ऐसे में आपने कुछ मुद्दे हमें भेजे थे कि ये जो मुद्दे हैं बलरामपुर सदर के वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए वैसे तो अगर यहाँ देखा जाए तो विकास के पायदान पर ये जो जिला है वो अति पिछड़े जिलों में शामिल होता है, क्योंकि विकास यहाँ पर बहुत कम हुआ है और यहाँ पर हर साल जो नदियाँ हैं वो कहर बरपाती हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में बाढ़ जैसे हालात बलरामपुर में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए लगातार लोगों की जद्दोजहद जारी रहती है, कई बार ऐसा होता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये समस्याएं यहाँ की मुख्य हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आम जनता के बीच बनी हुई है, जिनसे निजात पाने की कोशिश आम जनता हर साल कर रही है, लेकिन इस बार 2022 में विधानसभा चुनाव है तो क्या लग रहा है ये मुद्दे अहम हो सकते हैं? चाहूंगा योगेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आवाज आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बलरामपुर जिला एक एस्पिरेशनल जिला है जो नीति आयोग के तहत जो है एक तरीके से समझ लीजिए भारत सरकार ने इसे गोद ले रखा है। अब यहाँ पे 12 जो मॉनिटरिंग पॉइंट्स हैं नीति आयोग के, उस पर काम किया जाता है, मसलन सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कृषि का क्षेत्र है, कृषि विज्ञान का जो क्षेत्र है, ऐसे चीजों पर जो है यहाँ पर काम किया जाता है। लेकिन जो पिछले 4-5 सालों का इंडिकेट देखा जाए जब से काम होना शुरू हुआ एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट पर, तो बहुत ज्यादा खासा बदलाव होता दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से सड़कों का जो जाल बिछाया जाना था या जो राज्य सरकार की तरफ से जाल बिछाया जाना था, तो वो सरकारों की झगड़ों के कारण जो है बहुत लेट होता दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज, अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं इस जनपद की राम भरोसे हैं। मैं आपको बताऊं कि इस जिले में तकरीबन 500 से 600 डॉक्टरों की जरूरत है और पोस्टेड महज 250 से 300 डॉक्टर ही हैं, उसमें से 10-12-15 फरार चल रहे हैं पिछले कई सालों से। तो आप जान सकती हैं कि कैसे हालात होंगे, और मुझे लगता है कि जनता इस बार जरूर इन मुद्दों पर ध्यान देगी। अगर शिक्षा की बात करें, अगर हम देखें तो कुछ तस्वीरें भी आपने भेजी हैं, चीनी मिल की तस्वीरें, यानी कि बलरामपुर में कई चीनी मिल हैं, तो ऐसे में किसानों की क्या राय है? देखिए, किसान की राय कुछ इस कदर है कि किसान ये चाहता है कि उसके फसलों का उसे दाम मिले,
न्यूनतम समर्थन मूल्य का उसे जो है लाभ मिले। और गन्ना बेल्ट है, ये बलरामपुर जिला जो पूरा है वो गन्ना बेल्ट है, बड़े पैमाने पर गन्ना उत्पादक किसान है यहाँ पर, जिनकी संख्या तकरीबन 2 से 2.5 लाख है। तो मतलब आप समझ लीजिए 2 से 2.5 लाख परिवार जुड़े हुए हैं गन्ना किसानी के काम से। चीनी मिलों के साथ अपनी दिक्कतें हैं, जैसे चीनी मिलें घटतौली करती हैं, हर चीनी मिल वो चाहे BCM की यूनिट हो, बलरामपुर चीनी मिल की यूनिट हो, वो चाहे बजाज चीनी मिल की यूनिट हो, वो अपने क्रय केंद्रों पर घटतौली करवाती है और ये सभी अधिकारियों के संज्ञान में होता है। और जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ कम से कम 2.5 से 3 लाख परिवार ऐसे हैं जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं। अगर आप बलरामपुर सदर सीट पर कुल जनसंख्या की बात करें तो 6,67,644 यहाँ पर जनसंख्या बनी हुई है, जिसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो हर रोज किसी ना किसी परेशानी से जूझते हैं, क्योंकि कुछ सड़कों का हाल भी हमने देखा है, जाम की स्थिति बनी रहती है और बाढ़ की स्थिति भी यहाँ पर हर साल बनती है। ऐसे में निजात पाने के लिए ऐसी तस्वीर सामने आई है कि पिछले 5 सालों में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन जो बलरामपुर सदर को चाहिए था वो बलरामपुर सदर को अब तक नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में योगेंद्र, वहां की आम जनता क्या लग रहा है, इन 5 सालों से खुश है या अब परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ना चाहती है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा बलरामपुर की जनता परिवर्तन के राह पर आगे बढ़ेगी या फिर से वो अपने पुराने विधायक को ही जिताकर सदन भेजेगी, ये तो समय के गर्त में है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जनता का मूड कोई जानता नहीं है। जहां तक बात रही कि किसानों की और इस तरह के समस्याओं की, तो सरकार कोई भी हो वो काम करती है, लेकिन बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने का कितना प्रयास हुआ है ये देखे जाना चाहिए। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुक करूंगी, उनसे चर्चा बहुत कम हो पा रही है। सुरेंद्र जी देखिए, अगर भाजपा सरकार की हम बात करें तो यहाँ पर एक पॉलिटेक्निक, एक ITI का निर्माण किया गया है, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। और यहाँ पर एक जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट यूनिट की स्थापना भी की जा रही है, जहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाएगी, लेकिन ये भी शुरू नहीं हुआ है। क्या लग रहा है, अगर 5 साल में एक बार फिर से BJP की वापसी होती है तो ये जो काम है, जो अधर में लटके हैं, ये पूरे हो जाएंगे या फिर ये सिर्फ कागजों में है? जी मैम, निश्चित रूप से बताना चाहूंगा, ये मेडिकल कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज जब अटल जी थे तभी से लोगों को यहाँ जरूरत थी, और जब माननीय मोदी जी यहाँ 2014 में पधारे थे उनको यहाँ से अवगत हुआ कि भूमि है और उस तरह की चीजें यहाँ आवश्यकता है, तो पूरे प्रदेश में कई जगहों को चयनित किया गया जहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाए गए, लेकिन मेरा भी जिला भी है। और काम मैं बता दूँ आपको कि बस्तर पे मेडिकल कॉलेज का चल रहा है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही सरकार बनते ही इसको शुरू भी कर दिया जाएगा, जिससे तमाम स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ की युवाओं को कुछ अलग करने का ही मौका मिलेगा। सुरेंद्र जी, इसके अलावा और क्या समस्या हो सकती है, क्योंकि योगेंद्र अभी बता रहे थे कि यहाँ पर 2.5 से 3 लाख परिवार ऐसे हैं जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, गन्ना बेल्ट है बलरामपुर सदर सीट, यहाँ पर कई चीनी मिल भी हैं लेकिन वो भी अपनी मनमानी करती हैं, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। जी मैम, इसीलिए भाजपा सरकार ने एक ऐसा योजना चालू किया, एक जिला एक उत्पाद, इस तरह यहाँ हमारे यहाँ मसूर की दाल की खेती होती है, जिस पर जो है सरकार पूरी तरह ध्यान दे रही है। मैं बताना चाहूँगा कि किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आई थी जो किसान में होती है, इसके लिए हम लोगों ने आगे जब बात पहुँचाई है, उद्योग से बात हुई है कि जैसे ही सरकार बनता है कुत्ता मवेशियों के लिए गौ संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, लेकिन सपा सरकार की मैं बात करूँ तो वो केवल बेकसी ही जानते हैं। हम पहले भी पशु संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गौ रक्षा की मांग करते रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने नहीं किया, इसके पहले किसी ने नहीं किया था, अब वो अलग विषय है कि वो किसान थोड़ा झेल रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा सरकार ये नहीं करेगी। तो भाजपा सरकार के कार्यकर्ता हैं जी, इसीलिए ये जानने की कोशिश मैं आपसे कर रही थी बार बार कि आप समस्याओं को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो काम किया है वो किया है, लेकिन इसके बावजूद भी समस्याएं तो बहुत बनी हुई है ना।
समस्याएं बहुत सी है, तो अभी तमाम सड़कों को बनना बाकी है। साथ ही मैंने अभी आपको बताया कि छुट्टा मवेशी, जिससे लगभग लगभग हर तरह के परिवार प्रभावित हैं, खासतौर पर किसान परिवार सबसे ज्यादा, और तमाम दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तमाम परिवार उजड़ गए हैं इसमें। तो हम स्वयं एक कार्यकर्ता ना होकर एक नागरिक के तौर पर इन बातों को हमने रखा है, जहाँ भी हमको बोलने का मौका दिया हमने इन बातों को रखा है, मांग किया है। और साथ ही मैंने ये बताया कि हमारे यहाँ मसूर दाल की खेती पूरे देश में मशहूर है, तो यहाँ मैं चाहूंगा कि सरकार गन्ने के साथ साथ। चलिए ठीक है योगेंद्र, देखिए जैसा कि यहाँ भाजपा कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी सरकार ने काम किया है, उससे पहले पिछली सरकारों ने कोई काम यहाँ नहीं किया था, और इसी विकास को लेकर वो इस बार इन्हीं चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता से वोटों की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है ये जानने की पुरजोर कोशिश लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है। देखिए आप भी ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, आम जनता के बीच मुलाकात आपसे होती है और बातचीत भी होती है, आम जनता क्या मन बनाकर बैठी है, क्योंकि किसानों की बड़ी संख्या यहाँ पे, जैसे कि आपने बताया कि गन्ना बेल्ट है, तो किसान तो नाराज है भाजपा सरकार से, ऐसा किसानों का कहना है, राकेश टिकैत भी यही कहते हैं। नहीं देखिए, किसान नाराज हैं वो उसके दो कारण हैं मैम। जैसे कि आप ये समझिए कि किसान इस वजह से नाराज हैं क्योंकि उनके खेत कुत्ता जानवर चर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि किसानों को उनके समर्थन, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी कि MSP का जो काम है वो उनका ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो किसान इसलिए नाराज है। यहाँ पर किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन किसान की नाराजगी इन दो वजहों से है। अब इन दो वजहों को दूर करने का काम सरकार का है। सरकार सपा में किस तरह से गौवंशों को मैनेज किया जाता था ये कोई नहीं जानता, या मैं कम से कम नहीं कह सकता कि किस तरह से मैनेज किया जाता था, या मैंने नहीं देखा, लेकिन तब सड़कों पर इतने गौवंश नहीं थे। मैं आपको बताऊं कि गौवंश सड़कों और खेतों में होने के कारण केवल यही एक कारण नहीं कि किसानों का जो है वो फसल चट कर रहे हैं, गौवंशों के कारण रोज दुर्घटनाएं होती हैं और रोज जो है लोग चोटिल होते हैं और रोज लोगों की जाने जाती है। इस समस्या को लेकर क्या कहेंगे आप, छुट्टा जानवर इस बार छठे चरण को लेकर ये मुद्दा बहुत बना हुआ है, छुट्टा जानवर को लेकर हम बहुत जनसभाओं में सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि छुट्टा जानवर को लेकर हम बेहतर कदम उठाएंगे, लेकिन यहाँ योगेंद्र जी बता रहे हैं कि छुट्टा जानवर की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, चटकर जाते हैं छुट्टा जानवर, कई बार हादसों का शिकार आम जनता हो जाती है क्योंकि बीच सड़कों पर भी आ जाते हैं, तो बताइए इसको लेकर क्या आप निजात दिला पाएंगे वहाँ की जनता को, जनता भरोसा कर पाएगी, किसान भरोसा कर पाएगा, क्योंकि इतने सालों से तो किसी ने सोचा नहीं छुट्टा जानवरों के बारे में। सुरेंद्र जी आवाज आ रही है मेरी आपको? सुरेंद्र जी आवाज आ रही है क्या? सुरेंद्र जी छुट्टा जानवर को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि योगेंद्र लगातार बता रहे हैं कि छुट्टा जानवर एक बड़ी समस्या है बलरामपुर में, जिसकी वजह से किसान परेशान है, किसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं। जी मैम, हम भी एक किसान परिवार के हैं और अभी मैंने बताया कि हम बार बार अपने सरकार से लगातार इस चीज को लेकर कुत्ता मवेशियों के होने के नाते कितनी समस्याएं हो रही जिले में, इसके लिए सरकार ने अभी तक अभी जानकारी मिली है हमारे यहाँ जिले में बहुत ही बड़ा लगभग 2 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, गौ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, उसके साथ ही जो गौपालक होंगे उनको प्रति जानवर के हिसाब से लगभग 1,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा, उनको एक पर मंथ व्यवस्था जो पेंशन टाइप होता है उसको किया जाएगा। साथ ही साथ सबसे पहले जितने जानवर घूम रहे हैं उनको सबसे पहले गौपालन डाला जाएगा, और किसानों की समस्या मान लीजिए देश की समस्या है और हम सब उसके संबंध में हैं। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, आप लगातार भरोसा आम जनता को दिला रहे हैं, लेकिन आम जनता के मन में क्या चल रहा है ये तो आम जनता ही जानती है। 10 मार्च का इंतजार हमें करना होगा कि बलरामपुर की जनता ने किसको चुना है किसको नहीं चुना है। योगेंद्र देखिए, अगर हम बलरामपुर सदर सीट को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ हैं, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे वो यहाँ पर रास्तों की हो, सड़कों की हो, या फिर यहाँ पर किसानों की हो, इसके अलावा यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो तैयारियां कैसी हैं वहां पर वोटिंग को लेकर योगेंद्र?
वोटिंग को लेकर जिला प्रशासन ठीक ठाक तरह से तैयारी कर रहा है। लगभग 1857 बूथ जो है पूरे जिले में बनाए गए हैं और विशेष लोगों को लगाया गया है। तकरीबन 5 से 10 हजार के बीच में कर्मचारी लगाए जा रहे हैं जो चुनाव व्यवस्था को संपादित करवाने का काम करेंगे और मॉडल बूथ बनाए जा रहे हैं जिसके जरिए जो है तमाम चीजों को अच्छे ढंग से करवाया जा सके। युवा वोटर्स की संख्या इस बार बहुत अच्छी खासी है, वो बढ़ी है और तकरीबन 1 से 1.5 लाख वोटर जो है युवा है, तो उन्हें भी लुभाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी श्रुति जो की है हमारे यहाँ, उन्होंने जो है बहुत तन्मयता से और बहुत प्रोग्राम्ड वे में इसको जो है संपादित करने का काम किया है। अब देखने वाली बात होती है कि जब 3 मार्च को यहाँ पर वोटिंग होगा तो क्या व्यवस्था होती है और क्या चीजें होती हैं। जिला प्रशासन ने अपनी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सुरेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलरामपुर सदर सीट जिसको समझने की कोशिश लगातार हम कर रहे थे, 3 मार्च को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। 6 लाख से ज्यादा की आबादी है जिसमें 2.5 से 3 लाख परिवार जो है वो किसानों के बताए जा रहे हैं। ऐसे में आम जनता ने मन बना लिया है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर छुट्टा जानवर की बनी हुई है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बोला है कि छुट्टा जानवरों को लेकर विशेष व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, लेकिन इसका असर कितना देखने के लिए मिलता है ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे अलग विधानसभा के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।